फैमिली फ़िश फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। फिन्स एंड गिल्स और PRC का एक जॉइंट वेंचर है ये। और बच्चों को हमने, हमारे जो बच्चे हैं ना वो बड़े नाजुक मिजाज हैं, मछली को नहीं पकड़ना, ये ना हो जाए, वो ना आ जाए। यहाँ पे सुबह से बच्चे मछली के साथ खेल रहे हैं, डिफरेंट फ़िश स्पीशीज़ हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। आज इन बच्चों को फ़िश से ये झिझक ख़त्म होगी तो कल को ये इनकी खुराक में भी शामिल होगी। जो फेस्टिवल हमने अरेंज किया जी, उसका थीम है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि पूरा साल मछली खाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक मछली जो है वो हम सीजनल खाते हैं। सर्दियों में कॉन्सेप्ट है कि मछली खाई जाएगी, जबकि ये गलत कॉन्सेप्ट है। पूरा साल मछली खानी चाहिए। पूरे दुनिया में जितने ममालिक हैं जहाँ पे फ़िश की प्रोडक्शन अच्छी प्रोडक्शन है फ़िश की, वो पूरा साल मछली खाते हैं। और इस वजह से खाते हैं क्योंकि ये उनको पता है कि ये एक हेल्दी और एक बैलेंस डाइट है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, हैं जैसे फ़िश कैचिंग है, उसके अलावा यहाँ पे फूड के बहुत सारे स्टॉल्स हैं, जैसे फ़िश की बहुत सी वैरायटीज है जो आप टेस्ट कर सकते हैं। और मतलब एंजॉयमेंट, अच्छी एंजॉयमेंट, हेल्दी एक्टिविटी है। यहाँ पर बहुत सारी फिशेज हैं और मैंने छोटी फिशेज भी पकड़ी, बहुत मज़ा आया। बड़ी फिशेज नहीं पकड़ी गई, लेकिन बाद में मुझे पकड़ी गई जब मैंने अपनी बहन के साथ ट्राई किया तो मुझे आ गया। मेरी आपी की जो फ्रेंड है अदीबा का नाम, और उनका उन्होंने एक बाउल लिया था जिसमें छोटी छोटी फिशेज थी, वो मेरी बहन ने मुझे सिखाया कैसे, लेकिन फिर भी मैं बोलती थी किया था। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है, और मछलियाँ पकड़ के तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कॉमनली इतना इजी नहीं होता कि आप फिश को पकड़ें या करें, हाथ में पकड़ें क्या, यहाँ पे आपके पास ये एक्टिविटी भी अवेलेबल है। अच्छा एक इनिशिएटिव है ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। मैं एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए आई थिंक ये बहुत एक अच्छी बात है कि सीखने को बहुत कुछ है। फ़िश फेस्टिवल बहुत अच्छा है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की फ़िश रखी गई हैं, और सबसे मज़ेदार चीज़ जो इस फेस्टिवल की है कि यहाँ पे फ़िशिंग के लिए इन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट किए हैं, और ख़ासतौर पे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमने देखा है कि यहाँ पे बड़े और छोटे हर साइज़ की फ़िश जो है मौजूद हैं, और बच्चे फ़िशिंग करके ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। फ़िश की डिशेज़ भी हैं, जिनको मछली पकड़ना पसंद है वो अपना शौक पूरा कर सकते हैं, और जिनको खाना पसंद है उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा फेस्टिवल है जिसमें फैमिलीज भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और वो हर तरह से इंजॉय कर रहे हैं। ये अच्छा फेस्टिवल है, इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं वो होने चाहिए, और इससे हमें मछली के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, और इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो लगने चाहिए। और ये कोल्ड चेन प्रोसेसिंग प्लांट है, और कोल्ड चेन का मैं थोड़ा सा आपको थीम बताऊँ जी, क्योंकि फ़िश जो है वो बहुत नाजुक उसका गोश्त होता है। तो कोल्ड चेन पूरी दुनिया में जो है ना वो एक साइकिल होता है कि जहाँ से हमने मछली पकड़ी है वहाँ से लेके और इस प्लांट तक लाने, और उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग तक हम टेम्परेचर को मेंटेन रखें, और उस टेम्परेचर पे मेंटेन रखें जिस पे फ़िश का गोश्त ख़राब ना हो, उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक जो कन्वेंशनल सिस्टम है हमारा हार्वेस्टिंग का, पोस्ट हार्वेस्टिंग का, उसमें इन चीज़ों को हम इतना ज़्यादा नहीं करते। तो ये हमारा जो प्लांट है ये कोल्ड चेन के थीम के ऊपर हमने बनाया है, और पॉन्ड जहाँ से मछली पकड़ते हैं वहाँ से लेकर वहाँ पे हम इसकी आइस पैक इंसुलेटेड बॉक्सेस में इसकी आइस पैकिंग करके थ्रू टेम्परेचर कंट्रोल्ड व्हीकल्स हम यहाँ पे NARC में लाते हैं, और यहाँ पे फिर हमारे पास अंदर टेम्परेचर कंट्रोलिंग यूनिट्स हैं, चैम्बर्स हैं, चिलर्स हैं, जिसमें हम फ़िश को अनप्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड दोनों फ़िश को हम यहाँ पर सेफ रखते हैं। तो ये एक टेम्परेचर जो है वो कॉन्टीन्यूसली उसका एक हम मेंटेन रखते हैं, और वो टेम्परेचर होता है जो कि फ़िश के गोश्त को ख़राब नहीं होने देता। उस थीम पे हम ये कर रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी की फ़िश प्रोवाइड करने की हम इस्लामाबाद के जो लोकल रेजिडेंट हैं, रावलपिंडी के जो लोकल रेजिडेंट हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम एक हाइजेनिकली और हाई क्वालिटी फ़िश प्रोडक्ट्स हम उनको प्रोवाइड कर सकें इस अपने प्रोसेसिंग प्लांट के थ्रू।